फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा। वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड योर चाइल्ड। जब क्लास नर्सरी में बच्चों का एडमिशन करवाना होता है तो कई पेरेंट्स बच्चों के राइट एज को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्लास नर्सरी में एडमिशन के लिए क्या मिनिमम एज है जिसमें बच्चों का एडमिशन हो सकता है, या फिर क्या मैक्सिमम एज है, यानी कितने साल के बच्चे का एडमिशन क्लास नर्सरी के लिए रिकमेंड किया गया है, कौन सी वो डेट है जिससे बच्चों की एज कैलकुलेट की जाती है, और जो ये फिक्स क्राइटेरिया है क्या उसमें कोई रिलैक्सेशन है या नहीं है। तो इन सारी चीजों की जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाली हूं ताकि पेरेंट्स के मन में बच्चों की राइट एज को लेके कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसा कि आप सबको पता है कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने पहले क्लास नर्सरी के लिए एडमिशन के टाइम के लिए जो मिनिमम एज बच्चों की डिसाइड की थी वो थी 3.5 साल, जिसको घटाकर 3 साल कर दी गई। यानी कि नर्सरी में जब एडमिशन करवाना है तो बच्चों की जो मिनिमम, कम से कम बच्चों ने 3 साल पूरे किए हुए, और जो मैक्सिमम एज हो सकती है वो है 4 साल। यानी 3 से 4 साल के बच्चे क्लास नर्सरी में एडमिशन ले सकते हैं। उसी तरह से क्लास नर्सरी के ऊपर के जो क्लास है, जिसे प्रेप कह ले हो या केजी, अलग अलग स्कूल में अलग अलग नाम होते हैं, तो उसमें जो मिनिमम एज है वो है 4 साल और मैक्सिमम 5 साल। इसी तरह से क्लास 1 में मिनिमम एज 5 साल और मैक्सिमम एज 6 साल। और ये जो एज कैलकुलेट किया जाता है वो एज ऑन 31 मार्च, यानी सेशन शुरू होता है 1 अप्रैल से, तो 31 मार्च तक बच्चों की मिनिमम एज नर्सरी के लिए डिसाइड की गई कि 3 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 4 साल। एक जरूरी बात जो हर पेरेंट्स को जानकारी होनी चाहिए कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने मिनिमम एज तो 3 साल और मैक्सिमम एज 4 साल डिसाइड कर दिया है, लेकिन उसके साथ साथ 30 दिन की एज रिलैक्सेशन भी दी है। यानी कि अगर सपोज कीजिए कि किसी बच्चे का जन्म हुआ है 15 मार्च को और उस बच्चे ने 15 मार्च को 4 साल कंप्लीट कर लिए, और आप एज ऑन 31 मार्च एज कैलकुलेट करेंगे तो उस बच्चे की एज हो जाएगी 4 साल 15 दिन, तो वे बच्चे भी क्लास नर्सरी के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 30 दिन का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का जन्म होता है 10 अप्रैल को और एज ऑन 31 मार्च उसने 3 साल कंप्लीट नहीं किया, उसके एज 3 साल कंप्लीट हो रही है 9 अप्रैल को, तो क्या इस 9 दिन की कमी की वजह से उसे एक और साल वेट करना पड़ेगा नर्सरी एडमिशन के लिए? क्या उस बच्चे का 1 साल वेस्ट होगा? नहीं। इसीलिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने ये रिलैक्सेशन 30 दिन का दिया है कि अगर किसी बच्चे की मिनिमम एज में 1 से लेकर 30 दिन का फर्क आ रहा है या फिर मैक्सिमम एज में 1 से लेकर 30 दिन का फर्क आ रहा है तो वो बच्चे भी नर्सरी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वैसे पेरेंट्स भी क्लास नर्सरी में जिनका बच्चे के जन्म में 1 से 30 दिन का फर्क आ रहा है मिनिमम एज में या मैक्सिमम एज में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें क्या करना है कि एक एप्लीकेशन लिख के देना है स्कूल के प्रिंसिपल को कि कितने दिन का फर्क आ रहा है, मिनिमम एज में कितने दिनों की कमी है या मैक्सिमम एज से कितना दिनों से वो बच्चे की एज ऊपर हो रही है। तो अगर ये फासला 30 दिन के अंदर अंदर का है तो एडमिशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जानकारी मुझे लगा कि आप सबको देनी जरूरी है ताकि पेरेंट्स किसी कंफ्यूजन की वजह से बच्चों का साल वेस्ट ना हो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके काम की होगी। इसी आशा के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।